बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, सबसे पहले किताब सफ़ा नंबर 107 निकाल लें, ठीक है। किताब सफ़ा नंबर 107 निकालें। शाबाश, निकाल लिया। अच्छा, कल हमने कौन सा सवाल किया था? सवाल नंबर 2। कल हमने कौन सा सवाल किया था? सवाल नंबर 2। आज हम करेंगे सवाल नंबर 3। कौन सा सवाल आज हम करेंगे? सवाल नंबर 3। अच्छा, सवाल नंबर 3 क्या है? खाली जगह पर महीनों के नाम तरतीब वार लिखें, ठीक है। आपको ये खाली जगह दी गई है, ठीक है। अब देखें, एक यहाँ पे खाली जगह है, फिर एक लफ्ज़ है। तो जो खाली जगह है, तो हमने महीनों, यहाँ पर महीनों के नाम तो दिए गए हैं, लेकिन एक दिया गया है तो एक नहीं दिया गया है। तो जो खाली जगह है, इसको हमने तरतीब से लिखने हैं, ठीक है। यानी फरवरी दिया गया है, तो फरवरी से पहले कौन सा महीना होता है? जनवरी। फरवरी से पहले कौन सा महीना होता है? जनवरी, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, फिर फरवरी के बाद क्या है? मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर खाली जगह है, अप्रैल के बाद कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर खाली जगह, जून के बाद क्या है? जून, जुलाई, अगस्त, फिर खाली जगह सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना होता है? नवंबर, फिर दिसंबर, ठीक है। तो समझ आ गई आपको सवाल की? अच्छा, तो अब जो मैं आपको करवाऊंगी, तो आपने क्या करना है? बुक पर नहीं लिखना, समझ आ रही है? नोटबुक पे आपने लिखना है। मैं आपको तरीका समझाती हूँ कि आपने नोटबुक में किस तरह यह है वो पेज रेडी करना है। इधर देखें, इस तरह आपने पेज रेडी करना है। पहली लाइन में आपने अंडरलाइनिंग करने पर लिखना है सबक, फिर दिनों और महीनों के नाम, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। फिर आपको सवाल, आप जब सवाल लिखोगे तो सवाल को भी आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। खाली जगह पर महीनों के नाम तरतीब वार लिखें, ठीक है। खाली जगह पर महीनों के नाम तरतीब वार लिखें, समझ आ रही है? फिर जो ये खाली जगह है, तो आपने ये क्या करना है? कलर के साथ आपने खाली जगह इस तरह करना है ताकि पता चले कि ये खाली जगह है, समझ आ रही है? जो मैंने कलर से किए हुए हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये आपके साथ ये खाली जगह है। तो आपने पेज इसी तरह, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह आपने पेज रेडी करना है, समझ आ रही है? अच्छा, फरवरी से पहले कौन सा महीना है? जनवरी। कौन सा महीना है? जनवरी। तो जनवरी लिखें, शाबाश। जीम, नून, जन, वारे, ये जनवरी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद क्या है? फिर मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, मीम अलिफ मा रे छे, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, समझ आ रही है? मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर कौन सा महीना है? मई। अप्रैल, मई, जून, फिर क्या है, कौन सा महीना है जून के बाद? जून, जुलाई, जीम वाजो लाम अलिफ ला नमजाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद कौन सा महीना है? अगस्त, सितंबर, सितंबर, सीन ते सित्ते मिम्तम बेरेबर, सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा महीना है? सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना है? अक्टूबर, नवंबर, 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 ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ आ रही है? ये क्या है? महीनों के नाम। समझ आ रही है? जब आप यहाँ तक फिनिश कर लोगे, इसके बाद आप फिनिशिंग लाइन लगा लोगे, ठीक है? क्या करोगे फिर आप? फिनिशिंग लाइन, ठीक है? फिनिशिंग लाइन। जनवरी, मेरे साथ पढ़े शाबाश, महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह आपने पेज रेडी करना है, ठीक है? कलर के साथ, ज़रूरी नहीं है कि ऑरेंज कलर, जो कलर भी आपके साथ हो तो वो वाला कलर उठा लें और ये खाली जगह उससे अपने लिए अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको पता चले कि ये इसमें खाली जगह है। समझ आ रही है क्लास? शाबाश।